उदयपुर में मंगलवार को ठगी के एक मामले में पीड़ित की तरफ से उदयपुर पुलिस अध्यक्ष को ज्ञापन देकर आरोपी को गिरफ्तार की मांग की है। पीड़ितों के वकील ने आरोप लगाया कि उदयपुर में सुखेर थाने में पिछले 45 दिनों से ठगी की एफआईआर दर्ज है, लेकिन अनुसंधान अधिकारी एसआई ओंकार सिंह द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वकील के मुताबिक ओंकार सिंह आरोपी को खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते हुए उन्हें जबरन पीड़ितों पर दबाव बना रहे हैं कि वे इस प्रकरण को वापस ले लें। दरअसल मामला यह है कि उदयपुर के रेलवे विभाग के अधिकारी प्रखर मारू ने पीड़ितों के रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ रुपए की राशि हड़प ली है। इस मामले में जब पीड़ितों ने संबंधित थाने में इस प्रकरण को दर्ज करवाए की बात कही तो पुलिस ने एक बार तो मामला दर्ज करने से मना कर दिया। उसके बाद पीड़ित लोग पुलिस अध्यक्ष के पास पहुंचे, तब जाकर सुखेर थाने में इस प्रकरण को दर्ज किया गया। इस मामले में एसआई ओंकार सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया था, लेकिन प्रकरण दर्ज होने के 45 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। वकीलों ने आरोप लगाया कि पुलिस रेलवे अधिकारियों प्रभाव में है और दोनों की मिलीभगत के चलते अब तक कोई कार्यवाही नहीं है। आज पहली बार हम आक्रोश के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए हैं। जिला कलेक्टर महोदय को, आईजी महोदय को और एसपी साहब को ये रिपोर्ट देने के लिए कि एक बहुचर्चित मामला है कि रेलवे भर्ती मामले में रेलवे के एक अधिकारी डॉक्टर प्रखर मारू और उसके गिरोह द्वारा पूरा एक गिरोह बनाकर फर्जी तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हुए पीड़ितों के साथ 1,08,00,000 रुपए की राशि का गबन किया। और जब इन लोगों ने सुखेर थाना में रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सभी पीड़ित जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ पहुंचे तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने मामले की गंभीरता को लेते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश 25/10/2021 को दिए। आज 45 दिन बीत जाने के बाद सभी पीड़ित प्रार्थीगण के बयान हो चुके हैं और सभी के बयान होने के बाद लेकिन जो अनुसंधान अधिकारी है एएसआई ओकार सिंह, आज मैं उनका नाम लेते हुए उनके खुले आरोप लगाता हूं कि उन्होंने आरोपियों के साथ मिलीभगत करके इन पीड़ितों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। और 45 दिन बाद भी आज एएसआई ओकार सिंह इन अपराधियों को टाइम दे रहा है कि वह हाईकोर्ट जाए, वह जगह जगह जाके अपने बचाव की व्यवस्था करे। और जब हम पूछते हैं इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है तो कहते हैं हम इनको गिरफ्तार करेंगे, इनकी कमी है। कुल मिला के इस सिस्टम की नाकामी है। अपराध इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि आज खाकी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा पा रही है। मैं पुलिस के आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इनको निलंबित करना चाहिए। और साथ ही इस मामले के अंदर यदि 24 घंटे के अंदर रेलवे अधिकारी प्रखर मारू और उसके आरोपियों की गिरफ्तारी अगर नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल पैदा होगा। इंटीरियर